हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो इसका डायग्राम पहले मैं समझाता हूं, फिर डायग्राम के बाद इसका मैथमेटिक्स और फिर रिजल्ट पर डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में। तो ये इस डायग्राम में देखें, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है। वैसे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कुछ होता नहीं, लेकिन जिसकी डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हो, यहाँ से ये पॉइंट काफ़ी आगे तक जा रहा हो दिस वन, और ये वाला पॉइंट भी काफ़ी नीचे तक जा रहा हो। इसके जस्ट मिड में एक मिड में यहाँ से मिड से पॉइंट पी दिया है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल आर है, और एक छोटा सा सेगमेंट डी एल लिया है। इसमें करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। इसके अंदर यहाँ से जो छोटा सेगमेंट है, उस सेगमेंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और जो सेगमेंट है उसकी सेंटर से डिस्टेंस एल है, और ये जो एंगल है जो हमारी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है, और वो पॉइंट पी के बीच में जो यहाँ पे ये सेगमेंट आर, ये डी एल लेंथ का है, ये यहाँ से जो रेडियस वेक्टर आर है उससे जो एंगल है वो थीटा बना रहा है। तो ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस है ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, और ये भी हम देख रहे हैं इसमें एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 होगा। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम ही हमें समझना होगा। इस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके कारण, और प्रूव करना है कि बी की जो वैल्यू होगी वो हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगी, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसका वो देख सकते हैं कि जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है दिस वन, दिस पूरा का पूरा, इसमें देख लें कि जो हमारा साइन 180 माइनस थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 180 माइनस थीटा जो होगा, साइन ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, और ये हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा, ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अब एंगल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा किस एंगल से देख रहे हैं। अगर इस एंगल यहाँ से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये बिहेव करेगा, बेस ये बिहेव करेगा, और हाइपोटेनियस ये बिहेव करेगा। तो पहले साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू देखें इसमें कितनी बनेगी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। ये वैल्यू जो हमारे पास बनेगी दिस अपॉन, हाँ जी बताएं कितनी बनी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये साइन 180 माइनस थीटा, मुझे लगता है साइन थीटा बनेगा, तो ये साइन थीटा ले लें इजिकल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू ले लें यहां से, स्मॉल आर हमारा बन जाएगा कैपिटल आर इंटू कोसेक थीटा, क्योंकि हम सब जानते हैं वन अपॉन साइन थीटा जो जब बनेगा ये, तो उसको हम कोसेक थीटा ले लेंगे। साथ साथ इसमें ट्रेंगल में देखें, टेन 180 माइनस थीटा भी ले लें इसी त्रिभुज में, टेन 180 माइनस थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर अपॉन एल ये ले लेंगे, और टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा, क्यों जी ये होगा माइनस कॉट थीटा है ना, बराबर माइनस कॉट थीटा या माइनस टेन थीटा ही बनेगा। देखें साइन 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 180 कॉस थीटा माइनस कॉस 180 साइन थीटा अपॉन, यहां भी लगाएं सेम कहानी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन 180 साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा दिस वन, और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है, साइन पाई साइन 2 पाई ये सब जीरो होते हैं। तो ऊपर से बन जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 हो जाएगा माइनस वन, और माइनस ये है तो माइनस साइन थीटा अपॉन, और यहां से क्या बना
कॉस थीटा, एक माइनस भी तो आएगा, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन गया हमारा माइनस टेन थीटा। तो ये कॉट थीटा ना करके क्या लें इसे, माइनस टेन थीटा इजकल टू आर अपॉन एल, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आर कॉट थीटा। तो डीएल ले लें इसका डिफ्रेंसिएशन, डीएल हमारा कितना बन जाएगा, आर कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बस ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू बायो सेवर्ट लॉ में पुट कर दें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दी गई है। बायो सेवर्ट लॉ देखें, यहाँ रखा गया है, इस एक्सप्रेशंस में देखें, डी वी है म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आई डी एल में डी एल की वैल्यू यहाँ से रख दें, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा आई आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बायो सेवर्ट लॉ वाला साइन थीटा भी आएगा दिस वन, क्योंकि डी वी होता है हमारा म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से ले लें, स्मॉल आर है हमारा आर कोसेक थीटा, वो यहाँ पर पुट कर दें, तो आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा डी वी। तो इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन नंबर टू की ये दे रहा हूँ मैं, और इसको थ्री की ये देता हूँ। तो टू और थ्री को वन में रखा है, इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री, इनको वन में पुट कर दो। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक आर आर स्क्वायर में एक आर बचेगा यहाँ नीचे, तो म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई आर ये आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अभी इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हमें थीटा की लिमिट देखनी होगी कि थीटा की लिमिट हम क्या रखें। तो यहाँ पे जब हम कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या होगा कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर लें और उसकी लेंथ को बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं, तो जब हम इस पॉइंट को कवर करना चाहेंगे ऊपर वाले पॉइंट को, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से जीरो होगी, और नीचे तक का सारा कवर करना चाहेंगे तो पूरा का पूरा हमें यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो थीटा की लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, जीरो से पाई। तो थीटा की लिमिट को जीरो से पाई रख दें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा ओवरऑल डी वी का इंटीग्रेशन ले लें। जब थीटा जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है, और जब हमारा पाई तक पहुँच गया है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गया है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका बी आ जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम सब वापस के माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा और जीरो से पाई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लेनी है, ये लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई, तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस कॉस पाई प्लस कॉस जीरो। कॉस पाई होता है माइनस वन, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये टू बन जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस वन वन और कॉस जीरो वन। तो ये हमारी जो वैल्यू है म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई आर इंटू टू हो जाएगी, और बी हमारा आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर। बी का जो है जनरल एक्सप्रेशन हमें ऑप्टेन हो रहा है, वो बी ऑप्टेन हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन टू पाई आर। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हमारा केवल आधे के कारण पूछता है, ये जो पॉइंट है इधर वाला हिस्सा, इसका अगर एग्जिस्ट ही ना करे तो यहाँ पे हाफ कर देंगे, क्योंकि आधा इसके कारण होगा आधा इसके कारण होगा। तो अगर हमारा कौन सा ये पॉइंट जो है वो कहाँ है, यहाँ है नीचे बिल्कुल, तो बी हमारा कितना बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर हाफ के कारण। अब हाफ हिस्सा रह जाएगा, एक तरीका से ये मान के चलो कि ये हमारा पूरा पूरा का पूरा ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया है नीचे की तरफ, तो तब हम किस तरीका से इसे सॉल्व करेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो हमने जीरो से पाई लिया वो पूरे के पूरे को कवर करने के लिए लिए, अगर हमें केवल आधा पोर्शन लेना है तो लिमिट को जीरो से पाई बाई टू ले जाना होगा। तो हाफ के कारण जो है वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर हाफ पार्ट के कारण, फुल पार्ट के कारण म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो हम क्या देख रहे थे कि बी यहाँ पे फिर से देखें तो बी यहाँ प्रोपोर्शनल जो आ रहा है वो आई के, और बी जो प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे वो वन अपॉन आर के। ये हमारा डिपेंडेंसी
बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होते हैं कि बी की डिपेंडेंसी सदा आर स्क्वायर पर आएगी, ये इसलिए आर पे नहीं आई कि ये डीएल खुद, ये स्मॉल आर कैपिटल आर का फंक्शन है और ये जो डीएल है ये खुद कैपिटल आर का फंक्शन है। तो एक आर यहां से आया, एक आर स्क्वायर यहां से आया, तो वन अपॉन आर पे वेरिएशन आ गया। और थीटा की डिपेंडेंसी वो वेरिएशन यहां पर हम देख रहे हैं, वाई हमारी साइन थीटा की थीटा पे। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने किस में बदला, जीरो से पाई में बदला, पूरे के पूरे कवर करने को। तो जीरो से पाई पे जैसे ही हमने वैल्यू को कवर किया तो अपने आप बी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस टेन थीटा। तो एल की वैल्यू यहां से माइनस आर कॉट थीटा हो जाएगी, डीएल हमारा आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। बाकी ये सब कुछ ओके है, ये सारा पूरा ओके है। तो ये बी की वैल्यू का एवोल्यूशन था, मैंने यहाँ से भी समझा दिया है और इधर भी इसका डिटेल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो बी काफ़ी पूछा जाता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बी कितना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।